झांसी के धमनोट में निजी भूमि पट्टा के नाम पर अवैध तरीके से खनन बदस्तूर जारी। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बालू कारोबारियों पर सख्ती से निगरानी रखने के कड़े निर्देश हैं, जिसका पालन करवाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग, पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन के ऊपर है। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले ग्राम धमनोट का है, जहां एक डॉक्टर द्वारा दादरी सरकार के नाम से बोर्ड लगाकर निजी भूमि पट्टे से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर कांटे, बगैर स्कैनर, बगैर कैमरे के निर्धारित मात्रा से अधिक खनन किया जा रहा है। निजी भूमि पट्टा में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा एनजीटी गाइडलाइन के विपरीत निर्धारित मात्रा में अधिक खनन कर बड़े बड़े गहरे हुए नुमा गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना होने की संभावना है। एनजीटी के नियम अनुसार नदी किनारे जिन खेतों में बालू आ जाती है, उनमें से बालू हटाकर कृषि योग्य बनाने हेतु निजी भूमि के पट्टे किए जाते हैं, परंतु यहाँ कुआं के कुआं खोदकर खेत ही समाप्त कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रसूखदार डॉक्टर अपने आप को उच्च अधिकारियों के खास होने का दावा करते हुए दबाव बनाकर अवैध तरीके से खनन कर रहा है। अब देखना यह है कि दवा माफिया से खनन माफिया बने डॉक्टर पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या डॉक्टर की कही बात सही साबित होती है। ग्राम धमनोण में निजी भूमि पट्टा धारकों द्वारा गहरी गहरी खदानें खोद दी गई हैं, जो एनजीटी के नियमों के विपरीत हैं। अभी भी कुछ लोग अवैध तरीके से वहां खनन कर रहे हैं और उन खदानों में कोई अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। ग्राम धमनोण में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना कार्रवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करेंगे।